आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन करेंगे कि मनोविश्लेषणवाद क्या है और उसका हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं मनोविश्लेषणवाद क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। मतलब मनोविश्लेषण जो शब्द है उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं साइको एनालिसिस। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सिगमंड फ्रायड द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए स्नायविक व मानसिक विकारों के संबंध में सुझाया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। मतलब 19वीं सदी मतलब 1850 के बाद जो सिगमंड फ्रायड नाम के एक डॉक्टर हुए थे, मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जो मेंटल प्रॉब्लम्स थे, मानसिक बीमारियों और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए इसका आविष्कार किया था। आप कह सकते हैं मनोविश्लेषण का विकारों के संबंध में सुझाया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। चिकित्सा की यह विधि जिन मूल सिद्धांतों पर आधारित है उन सिद्धांतों के स्पष्टीकरण, समर्थन, विरोध आदि के कारण फ्रायड के समय से लेकर अब तक मनोविश्लेषण ने इतनी प्रगति कर ली है कि आधुनिक युग की कोई भी विचारधारा इसके प्रभाव से अछूती नहीं रह सकी। मतलब मनोविश्लेषण का उद्भव या उसका विकास सिगमंड फ्रायड ने किया, मानसिक और जो शारीरिक जो विकार थे तंत्रिका तंत्र से संबंधित उनका इलाज करने के लिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस सिद्धांत को लेकर वो आए थे। और इस मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आज भी हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हो, है ना। मानसिक विकारों के इलाज करने के संबंध में भी यह मनोविश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आधुनिक युग में जिस प्रकार राजनीति और अर्थव्यवस्था पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है, उसी प्रकार कला, साहित्य और समाज पर मनोवैज्ञानिक खोजों तथा नए नए मनोविश्लेषण सिद्धांतों का बड़ी गहराई से प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार हमारा वर्तमान समाज और हमारा जीवन कहीं न कहीं मार्क्सवाद से प्रभावित होता है, मतलब हमारा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जिस प्रकार मार्क्सवाद से प्रभावित है, ठीक उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक खोजों तथा मन से जुड़ी हुई बीमारियों विकारों के उपचार के लिए मनोविश्लेषण के जो सिद्धांत हैं बहुत ही गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साहित्य का संबंध मानव मन से है ना, साहित्य का संबंध हमारे मन से है। साहित्य जो विभिन्न चरित्रों का चित्रण करता है वह किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। एक साहित्यकार अपने साहित्य में जिन चरित्रों को स्थान देता है वह वे चरित्र किसी न किसी प्रकार से मनोविज्ञान से प्रभावित होते हैं। कुछ न कुछ सभी का मनोविज्ञान होता है। साहित्यकार को उसका ज्ञान हो या ना हो पर उसके चित्रणों में मानव मन के क्रियाकलाप ही यथार्थ अथवा काल्पनिक रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। भले ही किसी साहित्यकार को मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसके जो चरित्रों का निरूपण होता है, जो चरित्रों का जिसमें उल्लेख किया जाता है, जिन चरित्रों को, जिन किरदारों को लेकर वह अपने साहित्य में लेकर आता है, उनका कुछ ना कुछ मनोविज्ञान अवश्य होता है और उनका मनोविज्ञान ही साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। चाहे कविता हो, चाहे कथा साहित्य अथवा चित्रकला या मूर्तिकला, सभी मानव स्थितियों का ही चित्रण करते हैं। चाहे कथा साहित्य हो, उपन्यास या कहानी अथवा चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, सभी हमारी मन की मन स्थितियों का ही चित्रण करते हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उस समय उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसी को ही वह चित्रित करेगा, वैसे ही कविता लिखेगा, चित्र बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। आधुनिक विचार जगत में फ्रायड और मार्क्स ने भारी क्रांति की है और आधुनिक विचारधारा, जीवन दृष्टि, नैतिक मान्यताओं आदि का इन दोनों ने जितना मान्यताओं आदि को हाँ इन दोनों ने जितना अधिक प्रभावित किया है उतना किसी अन्य ने नहीं। मतलब आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स से विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, चाहे राजनीति हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, उस पर मार्क्सवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उसी प्रकार फ्रायड का हमारे मनोविज्ञान के विश्लेषण में फ्रायड का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसी के आधार पर हमारी विचारधाराएं, हमारे नैतिक जीवन दृष्टि, हमारे मूल्य निर्धारित होते हैं। फ्रायड ने मनुष्य के अंतर जगत का सूक्ष्म गहन विश्लेषण किया है
और मार्क्स ने मानव के बहिर्जगत का समग्रता में गहन चिंतन। फ्रायड ने जहां एक ओर मनुष्य के मन का गहन अध्ययन किया है ना, उसी प्रकार मार्क्स ने मानव के बहिर्जगत का समग्रता में गहन चिंतन किया है। बहिर्जगत मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारा समाज है। फ्रायड के चिंतन से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी आलोचना की नींव पड़ी, जिसे फ्रायड के साथ साथ एडलर और जुंग ने अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया, है ना। फ्रायड के चिंतन का से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी आलोचना की नींव पड़ी, मनोविश्लेषणवाद का नींव पड़ा फ्रायड के चिंतन से प्रभावित होकर। और इसके साथ ही इनके दो शिष्य थे एडलर और जुंग, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में फ्रायड प्रसिद्ध हुए। मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में फ्रायड को माना जाता है। एडलर और जुंग शुरुआत में फ्रायड के शिष्य, अनुगामी तथा सहयोगी थे, किंतु आगे चलकर उनकी मान्यताएं फ्रायड से अलग हो गई। शुरुआत में एडलर और जुंग उनके साथ मिलकर काम करते थे फ्रायड के साथ में, और उनके मित्र भी थे, अनुयायी भी थे, शिष्य भी थे, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए, उनकी विचारधारा फ्रायड से अलग हो गई। फलतः उन्होंने अपनी मान्यताओं को स्वतंत्र सिद्धांतों का रूप दिया। इस भेद के कारण तीन नामों का प्रयोग किया गया। फ्रायड के साथ काम करने वाले जो एडलर और जुंग थे बाद में उनसे अलग हो गए थे, और उन्होंने अपनी मान्यताओं को अलग सिद्धांतों का रूप दिया। फ्रायड के सिद्धांत को बोला जाता है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। एडलर के सिद्धांत को बोला जाता है व्यष्टि मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तथा जुंग के सिद्धांत को बोला जाता है विश्लेषण मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी। यहां इन तीन मनोविश्लेषण शास्त्रियों के सिद्धांतों का सार संक्षेप प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अब हम तीनों के सिद्धांतों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रवर्तन का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म मोराविया में 6 मई 1856 को हुआ था। इन्होंने वियना में चिकित्सा विज्ञान का मनोयोग से अध्ययन किया और तंत्रिका विज्ञान में विशेष दक्षता हासिल की। ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने तंत्रिका विज्ञान में विशेष दक्षता हासिल की थी। इन्होंने एक स्वतंत्र पद्धति विकसित की जिसे मनोविश्लेषण पद्धति नाम दिया। लोगों की बीमारियों का इलाज करने के संबंध में, है ना, मनोवैज्ञानिक बीमारियों का इलाज करने के लिए या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए इन्होंने एक नया सिद्धांत, नई पद्धति विकसित की जिसे मनोविश्लेषण पद्धति नाम दिया गया। फ्रायड ने बहुत लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस, द ईगो एंड द इड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फ्रायड के ग्रंथों से मनोविश्लेषण का एक जबरदस्त औजार चिकित्सकों को मिल गया, जिसका आज तक प्रयोग हो रहा है। वो इतने महान थे कि उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं, और आज भी चिकित्सा विज्ञान में उनके दिए हुए सिद्धांतों का, विचारों का प्रयोग होता है। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पद्धति को हम तीन विषयों में बांट सकते हैं, अचेतन मन, अनकॉन्सियस माइंड, लिबिडो या कामवृत्ति, और ग्रंथियां मतलब कॉम्प्लेक्स। तो तीन प्रमुख इनके सिद्धांत हैं, अचेतन मन का सिद्धांत, लिबिडो या कामवृत्ति का सिद्धांत, तथा ग्रंथियां, जो हमारे मन में जो कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं उनके विषय में उन्होंने सिद्धांत दिया था। सबसे पहले देखते हैं अचेतन मन, अनकॉन्सियस माइंड क्या है। फ्रायड की स्थापना है कि मनुष्य का मन बर्फ के शिलाखंड, आइसबर्ग के समान है। फ्रायड का कहना है कि मनुष्य का जो मन होता है वह एक बर्फ के शिलाखंड, जिसे अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं, उसके समान होता है। उसका जो भाग दिखाई देता है वह पूरे हिमखंड का एक छोटा सा अंश होता है। मतलब जो आइसबर्ग जो समुद्र में तैरता रहता है ना, तो उसका केवल हमको 1/3 हिस्सा दिखाई देता है, और 2/3 हिस्सा क्या है, नीचे पानी में डूबा रहता है। मतलब 1/3 हिस्सा ही हमको दिखाई देता है। मनुष्य का मन भी वैसा ही होता है, उसका बहुत बड़ा भाग अदृश्य रहता है, परंतु कुछ भाग समुद्र के भीतर पानी में डूबा होने पर भी दिखाई देता है। जैसे आइसबर्ग होता है उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग जो समुद्र के ऊपर है, जो हमको दिखाई दे रहा है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है वह इस चित्र के माध्यम से आप भलीभांति समझ सकते हैं। तो यह जो ऊपर का हिस्सा है यह हमको दिखाई देता है समुद्र के ऊपर, और यह बीच का हिस्सा है यह समुद्र में डूबा तो रहता है लेकिन फिर भी वह हमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और यह तीसरा भाग है,
यह हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यही स्थिति मानव मन की भी होती है। उसके मन के तीन भाग होते हैं, मनुष्य के मन के भी तीन भाग होते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं, मनुष्य के मन के तीन भाग होते हैं। उसके मन के तीन भाग होते हैं, चेतन मन, तो ये ऊपर वाला हमारा चेतन मन है, ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। अचेतन मन या अर्ध चेतन मन, तो ये जो दूसरा भाग है ये अचेतन मन या अर्ध चेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है। तथा अचेतन मन, ये जो तीसरा और आखिरी भाग है यह अचेतन मन है, ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो मनुष्य के मन के तीन भाग होते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जो सबसे ऊपर रहता है, जैसे आइसबर्ग का सबसे ऊपर का हिस्सा है वैसे ही चेतन मन। फिर अर्ध चेतन मन या अवचेतन मन, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो आइसबर्ग का सबसे नीचा हिस्सा, निचला हिस्सा होता है वैसे ही। चेतन मन या कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड किसको बोलते हैं, चेतन मन, इसे हम सब देखते हैं और अनुभव करते हैं। चेतन मन वह है जिसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं। पर अचेतन मन, अचेतन मन जो सबसे नीचे का हिस्सा है, जो सबसे गहरा हिस्सा है, अनकॉन्शियस माइंड, वह दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है। मतलब हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, या जिन इच्छाओं को हम दबाकर रखते हैं, सामाजिक जो मर्यादा होती है, जो कानून होता है, कानून व्यवस्था, इन सब के कारण कुछ चीज़ों को हम करना चाहते हैं, है ना, जो दमित इच्छाएं हमारी होती है, तो ये जो हमारी सोई हुई वासनाएं होती है, यह अचेतन मन में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। यह उनका शक्तिशाली पुंज होता है, मतलब बहुत सारी भावनाएं वहां पर इकट्ठी रहती हैं। मन का यह भाग हमारे लिए अज्ञात, अभेद्य एवं रहस्यमय रहता है। मन का यह जो हिस्सा है जिसमें हमारी दमित इच्छाएं हैं, अनकॉन्शियस माइंड है, वह बहुत ही रहस्यमय रहता है, अभेद्य रहता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वहां पर कोई जान नहीं पाता है। इन दोनों के बीच अर्ध चेतन या अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, वह खंड है जिस पर अचेतन की परछाई पड़ती रहती है। मतलब सबसे आखिरी में अचेतन मन है, उसकी जो परछाई है, उसका जो प्रभाव है, वह हमारे अवचेतन मन या फिर अर्ध चेतन मन अर्थात सब कॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। निद्रा के समय जब चेतन मन, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाता है, तब अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। जो हमारी वासनाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, जब हमारा चेतन मन सो जाता है, जब हम सोते रहते हैं, तब जो हमारा अचेतन मन है वह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और वह हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है, और उसी प्रभाव के कारण हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ सपने दिखाई देते हैं। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते। सामाजिक जो वर्जनाएं होती हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो कानून होती हैं, उसके कारण हम उन कामों को करना तो चाहते हैं लेकिन उन कामों को कर नहीं पाते, तो वह हमको स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। और वो कहाँ पर दिखाई देता है, अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में, स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। फ्रायड का मत है कि चेतन और अचेतन में द्वंद्व चलता रहता है। चेतन मन जो होता है हमारी दमित इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूरा करने में रोकता है, हमें चेतन मन हमें रोकता है कि यह सामाजिक दृष्टि से गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह कानूनी दृष्टि से गलत है, या नैतिक दृष्टि से गलत है, या धार्मिक दृष्टि से गलत है, इन सब को रोकने का काम करता है चेतन मन। लेकिन हमारा चेतन मन क्या, अचेतन मन क्या कहता है कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। तो इस प्रकार चेतन मन और अचेतन मन के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है। चेतन मन व्यक्ति, परिवार और समाज की नैतिकता और मर्यादा के संस्कारों से ओतप्रोत होता है। हमारा चेतन मन जो है वह हमको बताता है कि क्या हमारे लिए एक व्यक्ति के रूप में सामाजिक मापदंडों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, धार्मिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, कानूनी रूप से क्या सही है क्या गलत है। यह चेतन मन हमको बताता है कि व्यक्ति की क्या मर्यादा है, परिवार और समाज की क्या नैतिकता है, क्या नैतिक मापदंड है। अतः जब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन के धरातल पर आने लगती हैं, तब चेतन के संस्कार उसका प्रतिरोध और निषेध करते हैं, वे सामाजिक एवं अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं। अचेतन मन के जो संस्कार हैं वो हमारे सामाजिक मापदंड को नहीं मानते, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी, इन सभी मापदंडों को अचेतन मन नहीं मानता है, और वह हमको बाध्य करता है कि हम उन कामों को करें। लेकिन जो हमारा चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वह उसको ऐसा करने से रोकता है, उनका दमन करता है, मतलब उनका युद्ध चलते रहता है। चेतन मन और अचेतन मन का हमेशा युद्ध चलते रहता है, और चेतन मन उसका दमन कर देता है उन गलत इच्छाओं का, उन वासनाओं का, उन दमित इच्छाओं का। इस दमन के कारण मानसिक वर्जनाएं और ग्रंथियां निर्मित हो जाती है।
तो जब चेतन मन अचेतन मन का दमन करता है, उन वासनाओं का, दमित इच्छाओं का दमन करता है, तो इसके कारण क्या होता है, ग्रंथियां निर्मित हो जाती है, व्यक्ति में कॉम्प्लेक्स निर्मित हो जाता है, ग्रंथियां निर्मित हो जाती है, कॉम्प्लेक्स निर्मित हो जाता है, घुटन पैदा हो जाता है। इन ग्रंथियों के कारण मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है। इन ग्रंथियों को क्या होता है, मानसिक विकृतियां, व्यक्ति लगभग पागल की तरह हो जाता है। परंतु कभी कभी अचेतन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त की जाती हैं। यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का रूप धारण करती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति में मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाएं, उसकी इच्छाओं का जो दमन किया गया है ना, दमित इच्छाओं का जो दमन होता है, उसके कारण जरूरी नहीं है कि व्यक्ति में मानसिक विकृतियां ही उत्पन्न हो। कभी कभी चेतन मन है वह उनका परिष्कार कर देता है, उन दमित इच्छाओं का, वासनाओं का परिष्कार कर देता है, उनको परिष्कृत कर देता है। और जब वह उनको परिष्कृत कर देता है तो वे अचेतन मन की जो इच्छाएं और वासनाएं हैं वह चेतन मन के द्वारा परिष्कृत कर दिए जाने के उपरांत कला और साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब एक कलाकार भी उसके कारण पैदा हो जाता है, एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि, या फिर एक मूर्तिकार, एक चित्रकार, या फिर कोई संगीतकार। तो ऐसी वासनाएं जब परिष्कृत रूप धारण कर लेती हैं चेतन मन के कारण, तब हमारे अंदर अभिव्यक्ति, तो उसको अभिव्यक्ति मिल जाती है और वह कला और साहित्य के रूप में प्रकट होता है। लिबिडो या काम वृत्ति, लिबिडो मतलब हमारे सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं लिबिडो या काम वृत्ति। फ्रायड मनुष्य के सभी क्रियाकलाप के मूल में काम वृत्ति को मानते हैं। फ्रायड का कहना है कि मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वह काम वृत्ति के द्वारा संचालित होते हैं, लिबिडो के द्वारा संचालित होते हैं। धर्म, अर्थ, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा भी यही काम वृत्ति है। मतलब जो धर्म है, चाहे अर्थ मतलब आर्थिक स्थिति है, चाहे साहित्य है, चाहे संस्कृति है, इसमें कहीं ना कहीं काम वृत्ति की प्रधानता रहती है। मनुष्य की कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां उदात और परिष्कृत होकर कला और संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। फ्रायड का यह मानना है कि मनुष्य की जो कुंठित और दमित इच्छा है, जब उनका परिष्कार हो जाता है, जो असामाजिक इच्छाएं हैं वे परिष्कृत हो जाती हैं, तब ये क्या हो जाती हैं, कला और संस्कृति का निर्माण करती हैं। मतलब आज हम जो कला और संस्कृति जो हमारे पास है वह मनुष्य की दमित इच्छाओं का परिष्कार होने के कारण हमें प्राप्त हुआ है। फ्रायड काम वृत्ति को ही साहित्य साजना की मूल मानते हैं। उनका कहना है कि जब हम साहित्य का सृजन करते हैं तो उसके पीछे भी हमारी लिबिडो या काम वृत्ति ही होती है, वही उसकी प्रेरणा है। उनका विचार है कि साहित्यकार कल्पनाशील होता है, अतः वह अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में प्रकट करता है। मतलब साहित्यकार कल्पनाशील होता है, कल्पना करता है, तभी वह साहित्य लिखता है। इसीलिए जो वर्जनाएं हैं, जो निषेध है, वर्जना मतलब किसी काम को करने से रोकना, सामाजिक वर्जना, कानूनी वर्जना, तो जो वर्जनाएं हैं उसको काम प्रतीकों के रूप में अपने साहित्य में प्रकट करता है। कला और साहित्य सृजन काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है, चाहे कला हो चाहे साहित्य सृजन हो। जैसे खजुराहो की मूर्तियां हैं वो एक कला का मूर्त रूप है, वैसे ही जो साहित्य सृजन है, साहित्य का हम सृजन करते हैं, तो यह काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है, हम उनका दोबारा निर्माण करते हैं। कला के रहस्य को तभी समझा जा सकता है जब हम कलाकार की सृजन प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण करें। मतलब कला के रहस्य को हम तभी समझ सकते हैं कि कलाकार की पूरी सृजन प्रक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की भावना से वह प्रेरित हुआ है। उनका विचार है कि केवल कला ही नहीं वरन प्रत्येक सृजनात्मक क्रिया में अवचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती हैं। उनका कहना है कि केवल कला ही नहीं बल्कि सृजन के जितने भी विधाएं हैं, चाहे संगीत है, चाहे मूर्तिकार है कोई, है ना, मूर्ति बनाने का कार्य है, ये जितने भी कार्य है, जो भी सृजनात्मक क्रिया है, उसके मूल में लिबिडो या काम वृत्ति का ही प्रभाव रहता है और वह हमारी अवचेतन मन में विद्यमान वासनाओं, दमित इच्छाओं का मूर्त रूप होता है। इस प्रकार स्वप्न, कल्पनाएं, योजनाएं आदि मानसिक व्यापार भी कविता या कला के समान ही है, ये काम तृप्ति के रूप है। मतलब मनुष्य के मन में जो काम भावना है, काम तृप्ति है, जो अचेतन मन में विद्यमान है, जिसकी तृप्ति नहीं हो पाती है, तब वह उसकी तृप्ति करने के लिए साहित्य का, कला का, मूर्ति का सृजन करता है और इससे उसको तृप्ति प्राप्त होती है। तीसरा है ग्रंथियां वर्जनाएं। ग्रंथियां वर्जनाएं मतलब निषेध, ग्रंथियां मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। हमारे मन में जो कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, अवर्जनाएं मतलब मनाही किसी चीज की, निषेध की, इसको आप नहीं करना चाहिए। ग्रंथियां वर्जनाएं कब डेवलप होती है, मनुष्य के मन में कॉम्प्लेक्स कब पैदा होता है। फ्रायड का मत है कि इच्छाओं और वासनाओं के दमन से ग्रंथियां या कुंठाएं निर्मित हो जाती हैं। फ्रायड का कहना है कि जो हमारे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक
और कानूनी जो मापदंड है समाज में, जो निषेध है, जो वर्जनाएं हैं, वो हमको हमारी जो दमित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको पूरा करने से रोकती हैं। और जब व्यक्ति इनका दमन करता है तो उसमें ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्स या कुंठा निर्मित हो जाती है। यही कारण है कि समाज में जो रैपिस्ट वगैरह जो होते हैं, है ना, जो दुराचारी होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनके मन में यह भावनाएं, कुंठा विद्यमान रहती है। या फिर वो नारी को पीड़ित या पीड़ित करना चाहते हैं, उसको तकलीफ देना चाहते हैं, तो उनके मन में जो भावनाएं हैं उनका वह दमन करते करते उनमें क्या है, कॉम्प्लेक्स का रूप पैदा हो जाता है। उस दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उनके वासना उदात्तीकरण से ग्रंथियां खुलती हैं और कुंठाएं दूर हो जाती हैं, और इस उदात्तीकृत परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। कुछ व्यक्ति तो क्या है, जो इनका दमन नहीं कर पाते तो उनमें क्या हो जाता है, वह ग्रंथियां कॉम्प्लेक्स का रूप धारण कर लेती है। जो बाहर नहीं निकल पाती है भावनाएं, उनका उनकी तृप्ति नहीं हो पाती है, तब कुंठाओं का रूप धारण करती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन कुंठाओं से ऊपर उठकर उन कुंठाओं को दूसरा रूप दे देते हैं, है ना। तो ये ग्रंथियां क्या होती है, अपने मन को दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं, कला की ओर, साहित्य की ओर, संस्कृति की ओर, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि की ओर वो अपने मन को डाइवर्ट करते हैं। तो यही भावनाएं क्या होती है, उदात हो जाती है, सबलाइम हो जाती है, और परिष्कृत होकर सभ्यता का विकास करती हैं और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करती हैं। मतलब ग्रंथियां कब डेवलप होती हैं, जब व्यक्ति उनका दमन करता है तो कुंठा का शिकार हो जाता है, लेकिन जब वह मन को डाइवर्ट कर देता है दूसरे क्षेत्र में, तो यही कुंठाएं उसको बहुत महान बना देती है। आदिम और बर्बर वासनाएं एक सुसंस्कृत व्यवहार का रूप धारण करती हैं। मतलब जो भी कला और संस्कृति और सभ्यता है वह हमारी कुंठाओं का ही परिणाम है, लेकिन हमने उनको परिष्कृत किया हुआ है। कला और साहित्य भी इसी का एक रूप है। फ्रायड का विचार है कि वासनाओं की तृप्ति का सुख तीव्र होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंद मंद और आह्लादमय होता है। मतलब वासनाओं को जब हम तृप्त करते हैं तो हमको क्षणिक आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे जो नशा करने वाले हैं, जो नशा करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट है, ड्रग लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए बहुत खुश रहते हैं, जो शराब पीते हैं कुछ देर के लिए खुश रहते हैं, जो बलात्कारी होते हैं या फिर जो शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं कुछ समय के लिए वो लोग खुश हो सकते हैं। वासनाओं की तृप्ति का सुख बहुत तीव्र होता है, लेकिन यह क्षणिक होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंद मंद और आनंदमय होता है, पर वह सामूहिक होता है और अधिक स्थायी भी होता है। लेकिन जो कला और साहित्य का आनंद होता है वह चिरकाल तक हमारे मन में बना रहता है। हम किसी कृति को देखते हैं, जैसे ताजमहल को हम देखते हैं, कितना सुंदर है, जीवन भर हमको उसका सुख प्राप्त होगा, है ना। कालजयी चीजें हैं, मुंशी प्रेमचंद के गोदान को हम पढ़ते हैं, या फिर हम रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी को पढ़ते हैं, तो उसका आनंद क्या है, आह्लादमय होता है, लंबे समय तक उसका हमारे मन पर प्रभाव बना रहता है, और वह सामूहिक होता है और अधिक स्थायी होता है। सामूहिक इसलिए होता है क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी कला को देखेगा, किसी साहित्य को पढ़ेगा, तो उसके मन में आनंद का संचार होता है, इसलिए यह सामूहिक है और इसलिए यह बहुत अधिक स्थायी होता है। वासनाओं की तृप्ति शारीरिक होती है, कला का आनंद मानसिक होता है। जब हम जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसकी हम पूर्ति करते हैं तो वह शारीरिक अधिक होती है, है ना। जैसे शारीरिक संबंध स्थापित करना, तो जो काम भावना की तृप्ति क्षणिक हो जाती है, लेकिन कला का जो आनंद होता है वह मानसिक होता है। कला से हमको जो आनंद प्राप्त होता है वह हमारे मन को अधिक आनंद प्राप्त होता है, शरीर को आनंद इसे प्राप्त नहीं होता। कला संप्रेषण परक है, अतः उसका सामाजिक महत्व है तथा उसका साधारणीकरण भी होता है। कला का संप्रेषण होता है, कला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, अतः उसका सामाजिक महत्व भी है और उसका साधारणीकरण भी होता है। साधारणीकरण मतलब लेखक या कवि ने जो लिखा है तो उसमें जो उससे हम क्या है अपने आप के उसके साथ तादाद में स्थापित कर पाते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा यह है कि जो पात्र को देखकर, जैसे भगवान राम वन को जा रहे हैं तो हमारे मन में जो करुणा पैदा होती है उनको दुख को देखकर, इसे हम कह सकते हैं साधारणीकरण। माता सीता अशोक वाटिका में जो दुख पा रही है तो उनको दुख को देखकर हमारे मन में जो करुणा और दुख का भाव पैदा होता है। भगवान राम वहां पर माता सीता को देखते हैं ऊपर में वाटिका में, तो उनके मन में जो प्रेम की भावना पैदा होती है, जो सौंदर्य है वो हमारे मन में भी पैदा होता है, इसे कहते हैं साधारणीकरण। उसी के द्वारा समाज के चेतन संस्कार बनते हैं, समाज के जो संस्कार हैं साधारणीकरण के द्वारा ही बनते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति कुंठाओं और ग्रंथियों से मुक्ति प्रदान करती है, इसीलिए वह कलाकार के लिए आनंद का स्रोत है। जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है वह हमारे मन में जो ग्रंथियां हैं, जो कुंठाएं हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, उससे हमको ऊपर उठाती है और उससे हमको मुक्ति प्रदान करती है, कलाकार को मुक्ति प्रदान करती है, इसीलिए वह कलाकार के लिए आनंद का स्रोत है। इडिपस कुंठा
ईडिपस कॉम्प्लेक्स नाम का एक शब्द आपने सुना होगा, या फ्रायड के सिद्धांत। इसका फ्रायड के सिद्धांत में विशेष महत्व है। जो ग्रीक नायक ईडिपस, जिसने अनजाने में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह किया था, के नाम पर है। ईडिपस मुंठा का भी फ्रायड के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। ईडिपस नाम का एक व्यक्ति था जिसने अनजाने में अपने पिता की मृत्यु कर दिया और अपनी माता से शादी कर लिया। तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि एक पुत्र, आम जिंदगी में हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, ऐसा माना जाता है कि एक पुत्र अपने पिता की तुलना में अपनी माँ से कुछ अधिक प्यार करता है। ठीक इसी प्रकार एक पुत्री अपनी माँ की तुलना में अपने पिता से अधिक प्यार करती है या उनके अधिक करीब होती है। यह इसी ईडिपस कुंठा के कारण होता है। हम देखेंगे कि आम जिंदगी में जो माँ होता है, माँ जो पुत्र होता है, वह माँ को अधिक प्यार करता है, माँ के अधिक करीब होता है, माँ से अपनी भावनाओं का को अभिव्यक्त करता है बहुत आसानी से, जब पिता से उसकी कुछ दूरी होती है। ठीक इसी प्रकार जो पुत्री है वह अपने पिता को रोल मॉडल मानती है और अपने पिता के अधिक करीब होती है, उनसे अपने मन की बात, दिल की बात खुल के कह पाती है। मतलब पिता जो एक पुत्र होता है वह माँ के अधिक करीब होता है, और जो पुत्री होती है वह अपने पिता के अधिक करीब होती है। यह ईडिपस कुंठा के कारण, ईडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। कला और साहित्य पर फ्रायड का गहरा प्रभाव है। कला और साहित्य पर फ्रायड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतस मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही होता है। फ्रायड का यह मानना है कि हमारे अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं, जो वर्जनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन्हीं के कारण कला और धर्म का उद्भव होता है, और इनका उद्भव हमारे अचेतन मन में विद्यमान प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। दमित वासनाएं जब उदात्त रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं तो साहित्य और कला को जन्म देती हैं, है ना। मन में जो दमित इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जब उनका उदात्त रूप प्रकट होता है, उनका परिष्कृत रूप प्रकट होता है, तो यह साहित्य और कला को जन्म देता है। साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड इन्हीं संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानते हैं। फ्रायड का यह कहना है कि चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे धर्म हो, उनकी प्रेरणा कहाँ से आती है? जो हमारे मन में दमित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इन्हीं की प्रेरणा से ये उद्भूत होती हैं। इनका इनका रूप हमारे सामने प्रकट होता है और ये जन्म लेती है। अल्फ्रेड एडलर नाम के जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, यह पहले फ्रायड के शिष्य थे, सहयोगी थे, बाद में इनके रास्ते अलग हो गए, इनकी विचारधारा अलग हो गई। इनका जन्म 1870 में हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रायड के बाद एडलर का महत्वपूर्ण योगदान है। एडलर वैयक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रवर्तक हैं। इनका जो सिद्धांत है इसे कहा जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, वैयक्तिक मनोविज्ञान। उनका विचार है कि जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य में अपने को स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब हमारे जो जीवन है उसका एक निश्चित लक्ष्य है और प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की आंगिक मतलब अंग से संबंधित, क्रियात्मक काम से संबंधित, या मानसिक कमी पाई जाती है जिसका वह अनुभव करता है, और उसमें हीनता ग्रंथि, इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। मतलब जितने व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ शारीरिक कमी होती है, मानसिक कमी होती है, या फिर काम करने की कुछ कमी होती है। मतलब हर कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है, और जब वह इस कमी का अनुभव करता है तब उसमें हीनता ग्रंथि, इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है कि मुझ में यह कमी है। जब इसको वह महसूस करता है तब उसमें इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है। उसकी पूर्ति का प्रयास मनुष्य विविध प्रकार से करता रहता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य अपनी हीनता की ग्रंथि से ऊपर उठने के लिए, अपने इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए बहुत प्रकार से प्रयास करता है। हीन भावना के कारण जब मनुष्य विशेष रूप से इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है तब उसमें श्रेष्ठता की भावना का उदय होता है। इसे श्रेष्ठता ग्रंथि, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब जब उसमें इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, और बहुत ज़्यादा प्रयास करता है तब भी उसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेता है, श्रेष्ठता की ग्रंथि जन्म ले लेती है। जैसे कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, किसी महिला को यह लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा सजने सवरने का प्रयास करेगी और वह ब्यूटी पार्लर जाएगी, बहुत ज़्यादा दिन भर सजने सवरने में लगी रहेगी, तो धीरे धीरे क्या है उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म ले लेगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो यह सब के लिए, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए, या केवल आपके समझाने के लिए है, इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। जो लोग दम्भी और अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तथा असभ्य व्यवहार करते हैं वे वास्तव में हीनता की भावना से ग्रस्त होते हैं।
इन दोनों भावनाओं का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। कुछ लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के परीक्षा में अच्छे अंक आ गए, या फिर किसी की कोई नौकरी लग गई, छोटी सी भी नौकरी लगेगी तो उसका व्यवहार बदल जाता है। किसी परीक्षा में चयनित होने के बाद यह प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और घमंडी व्यक्ति के रूप में समाज में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहीं पर भी जब वो आएंगे तो अपनी अकड़ में रहते हैं कि मेरे पास यह कार है, मेरे पास यह मोबाइल है ना, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमसे बेहतर हूँ। हर समय दिखावा करते रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, घमंडी हो जाते हैं, दम्भी हो जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और लोगों से असभ्य व्यवहार भी करते हैं कि तू यह नहीं खरीद सकता, तू यह नहीं कर सकता, तू यह एग्जाम नहीं निकाल सकता, इस प्रकार। तो वे वास्तव में हीनता की भावना से ग्रस्त होते हैं। इन दोनों भावनाओं का अतिरेक व्यक्तियों को मानसिक रोगी बना देता है। मतलब चाहे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो, हीनता की ग्रंथि हो, चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, श्रेष्ठता की ग्रंथि हो, यदि यह बहुत ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति में तो इसकी अधिकता व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। तो फिर जो भी आपके समाज में दिखाई पड़ते हैं, चाहे इनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी जीवन शैली होती है। उनका विचार है कि जब तक बालक बालक में काम वृत्ति का विकास होता है तब तक उसकी जीवन शैली बन चुकी होती है, जिसका निर्माण उसकी निजी लक्षणताओं से होता है, न कि काम वासनाओं से। मतलब एडलर कहता है कि जब व्यक्ति में काम वृत्ति का विकास होता है, खासकर जब हम किशोरावस्था पर आते हैं तब हमें यह भावना उत्पन्न होती है, लिबिडो या काम वृत्ति, तब तक व्यक्ति का एक जीवन शैली बन चुका होता है और इसका निर्माण उसकी निजी विलक्षणताओं से होता है, मतलब काम वासनाओं से उसका निर्माण नहीं होता है। उनके अनुसार जीवन में तीन समस्याएं प्रमुख होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार की समस्याएं प्रमुख होती हैं। समाज विषयक, कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है, समाज के नियम कानून को कैसे सीखना है और उनका अनुपालन करना है। व्यवसाय विषयक, कि किस प्रकार का जॉब उसको चाहिए, किस व्यवसाय में वह जाएगा, कौन सा व्यवसाय वह करे। और काम और विवाह विषयक, और वह अपने काम की तृप्ति के लिए, काम भावना वासनाओं के निर्वहन के लिए, काम तृप्ति के लिए विवाह किससे करे। तो समाज में अपने आप को स्थापित करना, एक व्यवसाय हासिल करना और विवाह करना, ये तीन समस्याएं उसके जीवन में प्रमुख होती हैं, तीन लक्ष्य प्रमुख होते हैं। इनमें से एक भी समस्या में असफल होने पर वह जीवन से पलायन करता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई कार्य करता है। जैसे यदि वह समाज में असफल हो गया, अपने व्यवसाय में असफल हो गया, या विवाह में असफल हो गया, समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया, तो क्या करता है वह, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वह जीवन से पलायन करता है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई अन्य कार्य करता है, उसकी पूर्ति के लिए। इन्हीं पूर्ति के कार्यों से कला और साहित्य की रचना होती है। मतलब इसी क्षतिपूर्ति के कारण वह कला अथवा साहित्य सृजन में लिप्त होता है और उसे कला और साहित्य का सृजन होता है, इसकी पूर्ति जब वह करता है। इन रचनाओं से व्यक्ति के अहम भाव और असामाजिक भावना का निवारण होता है। जब व्यक्ति अपने आप को सृजन कार्य में लगा देता है, सर्जना में लगा देता है, तब उसकी अहम भाव है, जो उसका घमंड की जो भावना है और जो उसमें असामाजिक भावना है, जो घमंडी और दम्भी हो गया, जो उसमें कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसका निवारण होता है, वह दूर होता है। इस प्रकार साहित्य और कला विश्व बंधुत्व की भावना को व्यापक बनाकर सामाजिक जीवन को विकसित करते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स में क्या रूप ले लिया, साहित्य और कला का रूप ले लिया, जिसके कारण विश्व बंधुत्व की भावना जन्म होती है कि सभी लोग हमारे भाई बहन हैं और यह सामाजिक जीवन को विकसित करते हैं। कार्ल गुस्ताफ जुंग तीसरे मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषण शास्त्री हैं, जो पहले सिगमंड फ्रायड के शिष्य या मित्र हुआ करते थे, बाद में इनका रास्ता अलग हो गया, इनकी विचारधारा अलग हो गई, इन्होंने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। जुंग, इनका जन्म हुआ था 1875 में, मृत्यु हुई थी 1961 में। जुंग फ्रायड के समकालीन और सहयोगी थे, ये मौलिक चिंतक थे और इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एनालिटिक साइको एनालिसिस के सिद्धांत को इन्होंने जन्म दिया, इसका विकास किया। जुंग ने अचेतन का महत्व स्वीकार किया, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड का इन्होंने महत्व स्वीकार किया, पर उसे दो स्तरों में रखा, उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया अचेतन मन को। प्रथम व्यक्तिक, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस, जो व्यक्तिगत स्तर पर जो अचेतन मन है, और दूसरा है जाति या सामुदायिक अचेतन, कम्युनिटी अनकॉन्शियस, जो समाज का जो अचेतन मन है, सामाजिक रूप से जो अचेतन मन है। फ्रायड ने अचेतन को दमित इच्छाओं और वासनाओं का रहस्यमय भंडार माना है, पर जुंग का मत है कि वह वैयक्तिक अचेतन का अंश है। फ्रायड कहते हैं कि जो हमारा अचेतन मन है वह दमित इच्छाओं और वासनाओं का रहस्यमय भंडार है, लेकिन जुंग क्या बोलते हैं कि यह वैयक्तिक अचेतन है,
इंडिविजुअल अनकॉन्सियस का ही हिस्सा है वह। इसके परे एक सामूहिक या जातीय अचेतन का स्तर है, कम्युनिटी के स्तर पर, समाज के स्तर पर भी एक अचेतन है। यह एक प्रकार से ऐतिहासिक एवं परंपरागत संस्कार भूमि है। तो यह जो कम्युनिटी अनकॉन्सियस है वह इससे हमको हमको हमारा इतिहास प्राप्त होता है, और यह परंपरागत संस्कार भूमि है, इससे हमको हमारा संस्कार, हमारा इतिहास, ये सब यहीं से प्राप्त होते हैं। सामूहिक अचेतन में जूंग के अनुसार, मतलब समाज में जो विद्यमान अचेतन है, सामूहिक अचेतन है, उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एनिमस और एनिमा। एनिमस नारी सुलभ गुणों का समूह है और एनिमा पुरुष गुणों का समूह है। मतलब समाज में जो नारी सुलभ गुण पाए जाते हैं वह एनिमस कहे जाते हैं, नारी सुलभ गुण, और जो पुरुष गुणों का जो समूह है एनिमा है। उन्होंने व्यक्तित्व को दो कोटियों में विभाजित किया है, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व एस्ट्रोवर्ट और दूसरा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। मतलब हमारे समाज में दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं व्यक्तियों में, एक बहिर्मुखी होते हैं, एस्ट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत ही मुखर होते हैं, अपनी मन की बात सबसे कह देते हैं, अपने विचार कहीं पर भी व्यक्त कर देते हैं, बहुत ही मुखर होते हैं, बिंदास होते हैं। और दूसरी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व, लोग प्राय चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी मन को, मन की भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरों से व्यक्त नहीं करते हैं, इनको इंट्रोवर्ट कहते हैं, ये बहुत कम बात करते हैं, प्राय चुप रहते हैं, तो ये भी व्यक्तित्व का एक रूप है। बहिर्मुखी लोग ज़्यादा बात करते हैं, लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन अंतर्मुखी लोग क्या है, प्राय एकांत में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अपनी मन की इच्छाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। इनमें से प्रत्येक में चार प्रकार की मानसिक शक्तियां रहती हैं, चाहे व्यक्ति अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी, उसमें चार प्रकार की मानसिक शक्तियां, मेंटल पावर्स होते हैं, विचार, उनके मन में विचार जन्म लेता है, भावना, भाव, उनके मन में कुछ भावनाएं होती हैं, संवेदन, वह चीज़ों को महसूस करते हैं, संवेदना को महसूस करते हैं, और सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि। सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि मतलब कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जान जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसके मन में क्या चल रहा होगा। यह मानसिक शक्ति या ऊर्जा ही सभी कार्यों की प्रेरक शक्ति है। तो ये जो चारों मानसिक शक्ति हैं, इसी की प्रेरणा से सभी चीज़ें, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, इन्हीं प्रेरक शक्तियों से जन्म लेती हैं। फ्रायड जहाँ काम शक्ति को सभी क्रियाओं का मूल मानते हैं, और एडलर जहाँ आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति को सभी कार्यों का की प्रेरणा मानते हैं, वहाँ जुंग इस मना शक्ति या मानसिक ऊर्जा को मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। फ्रायड का कहना है कि जितने भी काम हमारे आसपास हो रहे हैं वह काम शक्ति के कारण हो रहा है, लिबिडो के कारण हो रहे हैं, काम वृत्ति के कारण हो रहे हैं, और एडलर कहते हैं आत्म प्रकाशन के कारण, मतलब अपने आप को प्रकाशित करना, अपनी मन की भावनाओं को, दमित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको हम जब अभिव्यक्त करते हैं तब वो सभी कार्य की प्रेरणा बनते हैं। लेकिन जुंग क्या बोलते हैं, जो मानसिक शक्तियां हैं, विचार, भाव, संवेदना और सहज ज्ञान, ये सभी कार्यों की प्रेरक शक्ति हैं, ऐसा जुंग का मानना है। तो तीन रास्ते हैं इनके। इस प्रकार जुंग का मना शक्ति या मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत फ्रायड के काम शक्ति और एडलर की आत्म प्रकाशन वृत्ति से अधिक स्वस्थ है और अधिक व्यापक सिद्धांत है। तो ऐसा माना जाता है कि जुंग का जो सिद्धांत है इन दोनों से बेहतर सिद्धांत है और अधिक व्यापक सिद्धांत है। यह शक्ति मनुष्य की विकासशीलता, संस्कृति रचनाशीलता और प्रजनन शक्ति तथा अन्य कार्यकलापों के प्रेरक है और उसका मूल स्रोत भी है। तो जुंग का जो मना शक्ति या मानसिक ऊर्जा का जो सिद्धांत है वह मनुष्य के विकास में, संस्कृति के निर्माण में और प्रजनन शक्ति में और अन्य कार्यकलाप जो हम करते हैं जीवन में, उसकी मूल प्रेरणा यही मानसिक ऊर्जा या मानसिक शक्ति है, और यह उन सब चीजों का मूल स्रोत भी है। जुंग कविता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कवि के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से भिन्न वस्तु मानते हैं। जुंग का यह मानना है कि हम किसी कविता को पढ़कर किसी कवि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि कविता का अध्ययन कवि के अध्ययन से भिन्न वस्तु है। इस प्रकार जुंग मनोवैज्ञानिक साहित्य और कल्पनामूलक साहित्य की सृजन प्रक्रिया को विभिन्न प्रकारों के रूप में मानते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण अलग प्रकार से होता है और कल्पनामूलक साहित्य की सृजन अलग तरीके से होता है। जरूरी नहीं है कि उसमें कवि या साहित्यकार का मन भी उसमें शामिल हो, वह कल्पना करके भी लिख सकता है, कभी कभी उसकी मनोवैज्ञानिक भावनाएं, फीलिंग्स उसमें शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जुंग का विचार है जैसे कि बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी, लेकिन वह शराब नहीं पीते थे, है ना। जरूरी नहीं कि हम मधुशाला को पढ़कर यह समझेंगे कि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही शराबी रहे होंगे तभी उन्होंने इस प्रकार का साहित्य लिखा है, मधुशाला उन्होंने लिखी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी कविता को पढ़कर हम कवि
कवि के मनोविज्ञान का आकलन नहीं कर सकते। उसमें उनका मनोविज्ञान शामिल हो भी सकता है, नहीं भी शामिल हो सकता है। वैसे विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं, जैसे शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की बहुत बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, दो भागों में। अब जरूरी नहीं है कि उनका मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान उसमें शामिल है कि नहीं है। वे व्यक्तिगत मनोविज्ञान भी हो सकता है और सामाजिक मनोविज्ञान भी हो सकता है। जुंग का विचार है कि मनोविज्ञान कला की मूल प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकता, उसके द्वारा केवल उसके रूप विधान की विवेचना की जा सकती है। अगर जुंग का यह मानना है कि जो मनोविज्ञान है वह कला की मूल प्रकृति, वास्तविक प्रकृति क्या है उसका अध्ययन नहीं कर सकता, और वह केवल उसे रूप विधान की चर्चा की जा सकती है। उसका स्टाइल, किस प्रकार के स्टाइल में वह लिखा गया, उसकी शैली क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी विवेचना की जा सकती है। कला की आधारभूत प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान के सीमित मापदंडों के सहारे नहीं की जा सकती। इसका अध्ययन सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। मतलब जो कला के जो आधारभूत जो प्रकृति है, तो उसके कला पक्ष है, भाव पक्ष है, इन सब का हम अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं कर सकते। उसके केवल कुछ ही हिस्से का हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो सौंदर्य पक्ष है, सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर किसी कला और साहित्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि साहित्य, साहित्य आलोचना और मनोविश्लेषणवाद का क्या संबंध है। फ्रायड के चिंतन को केंद्र में रखकर चेतना प्रवाह विधि, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की शिल्प विधि का विस्तार हुआ है। मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है जो चेतना प्रवाह विधि है, इसका प्रभाव फ्रायड पर पड़ा है। इसको आप उसमें भी देख सकते हैं, शेखर एक जीवनी में। इस शिल्प विधि के प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण जेम्स जॉयस का प्रसिद्ध उपन्यास यूलिसीज 1922 है, जिसका बहुत से रचनाकारों ने अनुकरण किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस या चेतना प्रवाह विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? जेम्स जॉयस ने किया है। इनका जो उपन्यास है यूलिसीज, जो 1922 में प्रकाशित हुआ था, इस पर इसका प्रभाव है, मतलब फ्रायड का प्रभाव है, और जिसका बाद में बहुत से रचनाकारों ने हिंदी और अन्य भाषाओं में इसका अनुकरण किया। और मतलब हम यह देख रहे हैं कि फ्रायड जो मनोविश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, उसका साहित्य और साहित्य आलोचना में क्या प्रभाव पड़ा। अवचेतन सिद्धांत, अनकॉन्शियसनेस सिद्धांत को आधार बनाकर ही चित्रकला के क्षेत्र में अति यथार्थवाद का उद्भव और विकास हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में जिसे अति यथार्थवाद कहा जाता है, वह अवचेतन सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही मनोविश्लेषण के प्रभाव से कविता, नाटक तथा कथा साहित्य में, चरित्र चित्रण में नए ढंग की बारीकियां आई। मनोविश्लेषण का अध्ययन करने के उपरांत जो कविता लिखी गई, जो नाटक लिखे गए, और साहित्य में जो हमारे नए नए चरित्र आए, उन चरित्रों पर इन मनोविश्लेषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसमें नए ढंग की बारीकियां आई, बहुत ही और अच्छे तरीके से नए नए चरित्र आने लगे, उनका वर्णन किया जाने लगा। जुंगी चिंतन से प्रभावित होकर आद्यबिंब मतलब आदि, आद्यबिंबों, मिथकों और पुराणों के अध्ययन की नई दिशाएं खुली। जो हमारे पुराने बिंब थे, पुराने समय में जो प्रतीक और बिंब जो होते हैं, मिथक जो मिथ्स होते हैं, जैसे जो हमारे पुराण वगैरह हैं, मिथक पर आधारित हैं, पुराण हैं, इनके अध्ययन की नई दिशाएं खुली, इनके अध्ययन का नया रास्ता खुला। उनका मनोविश्लेषण के आधार पर उनका अध्ययन किया जाने लगा। मनोविश्लेषण की ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिन्होंने साहित्य आलोचना को प्रभावित किया है। जैसे मनोविश्लेषण की ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं, जिनका प्रभाव साहित्य की आलोचना पर पड़ा। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला, कला यौन भावना की विकृतियों से मुक्ति का साधन है। मतलब कला क्या है? हमारे मन में जो दमित वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो काम भावना है, यौन भावना है, उनसे मुक्ति हमें कौन प्रदान करता है? कला हमको उससे मुक्ति प्रदान करता है। कलाकार मूलतः न्यूरोटिक या विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त आप मतलब पागल कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है पागल, मतलब जो कलाकार होते हैं। इसीलिए कलाकार प्राय सनकी होते हैं। कोई लेखक होगा, कोई कवि होगा, कोई चित्रकार होगा, संगीतकार होगा, कोई गीतकार होगा, गायक होगा, तो इनमें कुछ कुछ अलग प्रकार के करने की कुछ सनक विद्यमान होती है। तो ये मूलतः न्यूरोटिक होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, वो भीड़ से अलग होते हैं। कला की शक्ति उदात्तीकरण है, सबलाइमेशन है। उदात्त मतलब सर्वश्रेष्ठ। कला की मूल प्रकृति, कला की शक्ति क्या होती है कि कला सर्वश्रेष्ठ को जन्म देती है। कला उदात्त होती है, सबलाइम होती है। कला एक प्रकार की फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब कल्पना, जैसे मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध में जैसे अंधेरे में कविता है, लकड़ी का रावण है, तो ये सब क्या है? फैंटेसी है। मुक्ति बोध में फैंटेसी का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, गजानंद माधव मुक्ति बोध में। स्वप्न और कल्पना में भीतरी भेद नहीं है। चाहे हम जो स्वप्न देखते हैं या हम जो कल्पना करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा भेद नहीं है। कला में प्रयुक्त बिंबों, प्रतीकों, लयों के विवेचन में मनोविश्लेषण की प्रासंगिकता है।
मतलब किसी भी साहित्य में, कला में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन बिंबों का प्रयोग किया जाता है, जिस लय में लिखा जाता है, उनका विवेचन करने में, विश्लेषण करने में मनोविश्लेषण की प्रासंगिकता है। आद्य बिंबों मतलब प्राचीन जो बिंब है, आदिकालीन जो बिंब है, और सामूहिक अवचेतन से मिथकों का सृजन कार्य संपर्क होता है। जैसे पुराने जो मिथ्स हैं हमारे, मिथक हैं, और यह सामूहिक अवचेतन है, कई कई विभिन्न प्रकार के धर्मों को जो मानने वाले हैं, जो एक ही प्रकार के विश्वास का पालन करने वाले जो लोग हैं, तो यह सब मनोविज्ञान के कारण होता है। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषण का क्या प्रभाव पड़ा? अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणवाद का क्या प्रभाव है। भारत में मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का समुचित विकास नहीं हुआ है। यद्यपि भारतवर्ष में इसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, कुछ साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन का फुटकर प्रयास हुआ है। लेकिन कुछ साहित्यकारों ने जो साहित्य लिखा है, जो कविता लिखी है, जो उपन्यास लिखे हैं, जो कहानी लिखे हैं, उनका मनोविश्लेषण के आधार पर विवेचन करने का, विश्लेषण करने का प्रयास किया हुआ है। जैसे कि जहां तक हिंदी साहित्यकारों का सवाल है, उनमें जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, यशपाल का दादा कामरेड, रघुवंश की तंतजाल, मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो इनके उपन्यासों में हमको मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण का कुछ प्रभाव दिखाई देता है इनकी रचनाओं में। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने की शुरुआत जैनेन्द्र से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैनेन्द्र से ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखना शुरू हुआ। उनके पहले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में नगेंद्र ने मनोवैज्ञानिक गहराई के अभाव की शिकायत की है। उनके अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों में अंतर्द्वंद एवं अंतर जगत की समस्याओं की चित्रण का अभाव है। नगेंद्र का यह मत है कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, जो मुंशी प्रेमचंद है, कथा सम्राट उन्हें माना जाता है, उपन्यास सम्राट उन्हें माना जाता है, लेकिन फिर भी उनके पात्रों में मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद की गहराई बहुत ही कम देखने को मिलती है। उनके अंतर्द्वंद एंड अंतर जगत की समस्याओं का चित्रण बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में जैविक मनोविज्ञान का अभाव भले ही हो, उनकी सामाजिक मनोविज्ञान की समझ अत्यंत पुष्ट रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन साथ ही उनका यह भी मानना है कि भले ही उन्हें व्यष्टि मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान का परिष्कृत रूप दिखाई नहीं देता, चरम उत्कर्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान का उसमें चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। मतलब मुंशी प्रेमचंद को सामाजिक मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था और इसका चित्रण उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में किया है। जैनेन्द्र के कुछ उपन्यास हैं जिन्हें पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी आदि और कहानियों में मनोविज्ञान का प्रभाव लक्षित होता है। इनकी कहानी एक पाजेब कहानी आपने पढ़ी होगी, लेकिन उनके उपन्यासों को फ्रायडियन नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनके उपन्यास को हम यह नहीं कह सकते कि फ्रायड की विचारधारा पर आधारित है। खुद जैनेन्द्र ने माना है कि फ्रायड को काफी दिनों तक पढ़ा ही नहीं था, तो जैनेन्द्र को हम नहीं कह सकते कि वह फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से फ्रायड को पढ़ा भी नहीं था। लेकिन अज्ञेय के बारे में, अज्ञेय हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अज्ञेय एक बहुपठित लेखक है, अज्ञेय को बहुत ज्यादा पढ़ा गया है। शेखर एक जीवनी, जो उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो दो भागों में है, की रचना के समय उन्होंने न केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन किया हुआ था, बल्कि अन्य आधुनिक सिद्धांतों एवं विचारधाराओं समेत अनेक महत्वपूर्ण पश्चिमी साहित्य का अध्ययन किया हुआ था। तो शेखर एक जीवनी, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ही प्रमुख उदाहरण माना जाता है, तो उसका उसकी जब इन्होंने रचना की, तो उन्होंने बहुत सारे मनोविश्लेषणवादियों को, मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा था, उनके सिद्धांतों को पढ़ा था, और इसका असर उस पर भलीभांति दिखाई देता है। इन्होंने पश्चिमी साहित्य का भी अध्ययन किया था, महत्वपूर्ण पश्चिमी मनोवैज्ञानिक साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया था। शेखर एक जीवनी इसका प्रमाण है, जिसमें शुरू से अंत तक पठनीयता देखने को मिलती है। शेखर एक जीवनी को आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही चले जाएंगे, पठनीयता है उसमें। शेखर एक जीवनी में मनोविज्ञान का प्रभाव सबसे ज्यादा उसके नायक शेखर के चरित्र और उसके कार्यों में देखने को मिलता है। मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्रभाव किसमें दिखाई देता है? शेखर में। शेखर जो कि शेखर एक जीवनी का नायक है, उस शेखर पर मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। उपन्यास में शेखर के जन्म से लेकर जवानी तक का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। शेखर के जन्म लेने से होकर जवान होने तक शेखर का जो चित्रण किया गया है, वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उनका चरित्र चित्रण किया गया है। इस रूप में इसका जैविक मनोविज्ञान काफी हद तक प्रामाणिक रूप में सामने आता है। तो यह व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, व्यष्टि मनोविज्ञान है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, यह बहुत हद तक हमको इसमें देखने को मिलता है।
हिंदी आलोचना पर मनोविश्लेषण का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि हिंदी आलोचना पर मनोविश्लेषण का क्या प्रभाव पड़ा। अभी हमने देखा साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। मनोविश्लेषण संबंधी इन सिद्धांतों के आधार पर साहित्य में मनोविश्लेषणवादी आलोचना प्रणाली ने जन्म लिया। मनोविश्लेषण के आधार पर हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी आलोचना ने जन्म लिया। अंग्रेजी साहित्य में डीएच लॉरेंस और जेम्स जॉयस इस प्रवृत्ति के प्रमुख लेखक हैं। अंग्रेजी साहित्य में जो डीएच लॉरेंस हैं, जेम्स जॉयस हैं, ये मनोविश्लेषण पर आधारित इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ इत्यादि लिखी हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञेय आदि के साहित्य पर मनोविश्लेषण का प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र हो गए, इलाचंद्र जोशी हो गए, हिरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो गए, इन पर मनोविश्लेषण का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी आलोचना में मनोविश्लेषणवादी आलोचना एक स्वतंत्र आलोचना पद्धति के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। मतलब एक स्वतंत्र आलोचना पद्धति के रूप में हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का विकास नहीं हुआ है। लेकिन मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के सिद्धांतों, विशेषकर फ्रायड, एडलर, अजुम, इनके सिद्धांतों का गहरा प्रभाव हिंदी आलोचना में देखा जा सकता है। आईए रिचर्ड्स की तरह मनोविज्ञान का उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना में किया है। आईए रिचर्ड्स ने जिस तरह मनोविज्ञान का प्रयोग किया है अपनी आलोचना में, उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना में मनोविश्लेषण का उपयोग किया है। फ्रायडी सिद्धांत की दृष्टि का उपयोग डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के विश्लेषण में किया है। छायावाद का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने फ्रायड के सिद्धांतों का की सहायता ली है। अवचेतन सिद्धांत का हिंदी आलोचना में प्रभाव काफी गहरा है। अनकॉन्सियस जो मन था उसका प्रभाव क्या है, हिंदी आलोचना में बहुत ज्यादा है अवचेतन सिद्धांत का। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी तथा नदी के दीप, इनके दो उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी और नदी के दीप में, तथा कहानियों कविताओं में व्यापक स्तर पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि को अपनाया है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपनाया है अज्ञेय ने। उनका आलोचना कर्म भी फ्रायड, एडलर और जुंग से प्रभावित आंदोलित हुआ है। मतलब जो अज्ञेय हैं वे फ्रायड से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, फ्रायड, एडलर, जुंग तीनों से प्रभावित हुए हैं। तो उनका जो आलोचना कर्म है फ्रायड से, एडलर से, जुंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अज्ञेय के साथ ही इलाचंद्र जोशी तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण की ओर पूरी तरह झुक गए। कवि आलोचक गजानंद माधव मुक्तिबोध ने मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर हिंदी आलोचना में प्रथम बार फैंटेसी पर विचार करते हुए उसकी महत्व प्रतिष्ठा की। गजानंद माधव मुक्तिबोध जो अपनी फैंटेसी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आलोचना में फैंटेसी को स्थापित किया। रचना प्रक्रिया, वस्तु और रूप पर मनोविश्लेषण की स्थापनाओं को ध्यान में रखकर बात की। उन्होंने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के आधार पर किसी काव्य या साहित्य की रचना प्रक्रिया, उसका रूप, वस्तु मतलब कंटेंट और रूप मतलब स्टाइल, इन पर बात की, इनकी व्याख्या की। अब ये निष्कर्ष है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हिंदी आलोचना ने मनोविश्लेषण के सिद्धांतों से प्रभावित होकर होते हुए भी आलोचनात्मक मापदंड के रूप में इस शास्त्र को ग्रहण नहीं किया है। हिंदी आलोचना ने मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को अपनाया तो है आलोचना कार्य में, लेकिन एक पृथक मनोविश्लेषणात्मक आलोचना पद्धति के रूप में इसका विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मनोविश्लेषणवादी आलोचना की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कलाकृतियों को विश्लेषित करने की प्रविधि और प्रक्रिया तो देती है, लेकिन मूल्य दृष्टि नहीं देती। मतलब यह उनको हमको सिर्फ बताती है कि हम इसका मूल्यांकन कैसे करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन यह हमें नहीं बताती कि इसके हिसाब से हम समाज में किस प्रकार मूल्यों को स्थापित कर पाएंगे, है ना। मूल्यों के आधार पर वह उसकी समीक्षा नहीं करती कि यह कितनी मूल्यवान है, इसका क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट का प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज और व्यक्ति पर पड़ेगा। तो यह कोई मूल्य दृष्टि नहीं देती। मूल्य दृष्टि के बिना आलोचना कर्म में मूल्यांकन संभव नहीं होता। जब तक आप किसी साहित्य या कला का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि यह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए उचित है कि अनुचित है, कि उदात्त है कि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है इसमें, वह केवल उसका एनालिसिस करती है। रचनाओं के कथ्यारूप विश्लेषण में यह पद्धति सहायक तो है, पर इसे समग्रता में आलोचना कर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कोई सर्जन है, कोई सर्जरी कर रहा है, उसने सर्जरी तो कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं कि बाद में सिलाई कैसे करनी है ना, उसके बाद मरीज स्वस्थ होता है कि नहीं होता है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम मनोविश्लेषणवादी आलोचना को इसी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए इसे समग्रता में आलोचना कर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता। मनोविश्लेषण किसी वस्तु के उत्कर्ष अपकर्ष का निर्णय नहीं कर पाता, उसके अच्छाई और बुराई का निर्णय नहीं कर पाता कि वह कितना उत्कर्ष है, कितना अपकर्ष है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका निर्णय नहीं कर पाता। वह न तो उसकी कलात्मक संभावना के विषय में कुछ कह पाता है,
कलात्मक सफलता असफलता का निर्धारण ही कर पाता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी तो मनोविश्लेषण के आधार पर उसका विवेचना किया जा सकता है, लेकिन वो यह नहीं बता पाएंगे कि यह समाज में पसंद किया जाएगा या सफलता प्राप्त करेगी कि सफलता प्राप्त नहीं करेगी, कलात्मक रूप से वह सफल होगी कि नहीं होगी। कला की कोई भी वस्तु उसके लिए मानसिक प्रक्रिया मात्र है, वह कलात्मक संवेदनशीलता से पाठक का साक्षात्कार नहीं करा पाता। मतलब इसकी क्या कमी है कि वह सिर्फ विश्लेषण करता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी साहित्य या कला का सिर्फ विश्लेषण करेगा, लेकिन वह यह नहीं बता पाएगा, वह पाठक को समझा नहीं पाएगा कि आपको इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वह उसे साधारणीकरण नहीं कर पाता है। तो इसलिए यह एकांगी दृष्टि है, जीवन दृष्टि है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।